अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हो चुका है और वो मारा जा चुका है। ऐसे में अतीक ने इच्छा जताई थी कि उसके बेटे के जनाजे में उसे शामिल होने दिया जाए, लेकिन ये पूरा मामला कानूनी दावपेच में फंस गया है। लेकिन अब शाइस्ता परवीन का क्या होगा? क्या शाइस्ता परवीन असद के जनाजे में शामिल होने के लिए बाहर आएगी, या फिर क्या होगा उसका अंजाम? क्या है पुलिस की तैयारी? तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर से जुड़ी है। असद के एनकाउंटर के बाद उसका जनाजा निकलना है, और ऐसे में सवाल ये कि क्या शाइस्ता अपने बेटे के आखिरी सफर में निकल कर सामने आएगी। वो एक माँ, और एक माँ का दिल हमेशा ही अपने बच्चों के लिए धड़कता है, और उसका बेटा अब उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया है। ऐसे में शाइस्ता को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाइस्ता खुद से सरेंडर करेगी, और अगर नहीं करेगी तो वो कैसे भी करके अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की कोशिश करेगी। चलिए समझते हैं विस्तार से, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। यूपीएसटीएफ ने गुरुवार को झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गे गुलाम को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इसी बीच प्रयागराज पुलिस और एजेंसियों को शाइस्ता परवीन के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में आने के इनपुट मिले हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, और पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस और एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि झांसी से असद का शव प्रयागराज आने पर उसकी मां शाइस्ता परवीन सामने आ सकती है। ऐसे इनपुट के मिलने के बाद पुलिस ने शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जगह जगह महिला पुलिसकर्मियों को सादा वर्दी में तैनात किया गया है। वहीं अतीक के घर के पास भी महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। साथ ही नकाबपोश महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों को बेहद पैनी नजर रखने के निर्देश मिले हैं। पूरे मामले की जानकारी हमारे सहयोगी समर्थ आप तक पहुंचाएंगे, जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और बारीकी से एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए समर्थ ने हमें क्या कुछ जानकारी दी है। शाइस्ता परवीन असद अहमद की मां, अतीक अहमद की पत्नी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि असद अहमद के जनाजे में शाइस्ता पहुंच सकती है। पुलिस ने दो प्लान बनाए हैं। पहला ये कि या तो शाइस्ता सरेंडर कर दे, वहीं पर पुलिस उसको जनाजे में शामिल होने दे और उसके बाद अरेस्ट कर ले। नंबर दो, अगर शाइस्ता छुप कर आती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके भी खासा इंतजाम किए हैं। महिला पुलिसकर्मियों को सादी ड्रेस में वहां पर रहने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि जब जनाजा अतीक अहमद के बेटे का निकलेगा तो महिला पुलिसकर्मी भी आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, और वो इसलिए दिखाई पड़ेंगे जिससे अगर शाइस्ता वहां पर पहुंचे तो वहीं पर उसे धर दबोचा जाए। इसके अलावा अतीक अहमद भी लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उसको अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने का मौका दिया जाए, पर इसकी चांसेस बेहद ही कम इसलिए हैं क्योंकि कोर्ट आज बंद रहा है और कल सुबह अतीक अहमद के बेटे का जनाजा है। तो शाइस्ता परवीन को लेकर तमाम तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बेटे के आखिरी सफर में शामिल होने के लिए माँ जरूर आएगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या वो सरेंडर करेगी, और दूसरा सवाल ये कि अगर वो सरेंडर करती है तो क्या उसे जनाजे में शामिल होने दिया जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर वो छुप कर आती है तो उसका अंजाम क्या होगा। क्या होगा अंजाम, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।